परमार डिस्क्यूट फाउंडेशन ने करिश्मा मिस और मिसेज 2019 का आयोजन किया, जिसमें 18 से 40 साल की महिलाओं ने हिस्सा लिया, जिसमें चीफ गेस्ट के रूप में मिस्टर कृष्णा हेज़, एमएलए चेतन इंद्रू, प्रोडक्शन हेड पवन शर्मा, कास्टिंग प्रोड्यूसर राइटर मिस्टर सुरेंद्र सिंह, म्यूजिक डायरेक्टर मिस्टर अमित बोर्ड, इंटरनेशनल विनर डांस कोरियोग्राफर सोशल वर्कर अंजलि सिंह, वीणा चौहान मौजूद रही। साथ ही मुरली साह, लाइव प्रोड्यूसर रुचि श्रीवास्तव, सेलिब्रिटी चीफ समिता सचदेवा, साक्षी वंशिता, मिसेज इंडिया रुचिका परोस, आकाश शुक्ला, मन्न सिंह, फेमिना मिस इंडिया केरला मौजूद रही जज के रूप में। इस कार्यक्रम का आयोजन कविता कनके ने किया था, जिसमें 4 राउंड हुए। पहले राउंड में डांस, दूसरे राउंड में इंट्रोडक्शन और आखिरी राउंड में क्वेश्चन आंसर राउंड किया गया, जिसमें सभी महिलाओं ने अपना प्रदर्शन किया। मिस कैटेगरी में क्रिस्टी साहू विजेता रही। दूसरी तरफ मिसेस कैटेगरी में कॉसल साहू विजेता रही, तो वहीं पर दूसरे नंबर पे प्रतिमा मीना और सोनाली आरोरा विजेता रही। आपका नाम और आपका परिचय चाहूंगी। औरंगाबाद, माय फर्म्स नेम इज मेक माय सेलिब्रेशन इवेंट्स। तो इंद्रजीत जी, किस तरह से आप जैसे बहुत सारे इवेंट्स आपने ऑर्गेनाइज किया है, इवेंट मैनेजमेंट है, तो कितना ध्यान देते हैं जब आपको कोई जब आपके पास कोई इवेंट्स या कुछ ऐसे आता है, तो किस तरह से आप प्लान कर पाते हैं कि हमें किस तरह से क्या कुछ बेस्ट देना चाहिए, और जिस तरह से अलग अलग प्रोग्राम, अलग अलग सेलिब्रिटी एंड प्रोफेशनल सब अलग अलग होते हैं, तो किस तरह से क्या डिसाइड करते हैं कि किन्हें किस तरह से आप क्या सजेस्ट कर पाए? आई बिलीव इन जापानीज टेक्नोलॉजी, but I devote lot of time in planning and less of time in execution. And for every event, I give 110%. I don't take anything very easily. It's my determination and my hard work. Basically, I'm a production person. I give every corner, every nook and corner. I give importance. I want to do whatever I do. I think this is the first and this is my last event, so I give the best of it. ये आपका ये अगर हम औरंगाबाद की बात करें, आप औरंगाबाद से बिलोंग करते हैं, लेकिन औरंगाबाद से अलग हट के बात करें, पूरे भारत में आप इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं या फिर एक स्पेसिफिक एक जगह होगी जहाँ पर आप? Basically, I started my career from Aurangabad, as I'm born and brought up Aurangabad. So I thought, why not promote my place first? I have done events in Pune, I have done events in Shirdi, I have done event in Mumbai, and lots of event in Jalna, Amaravati, and Hingoli. अब तक का ऐसा कोई इवेंट जो आपके लिए काफी खास रहा हो, और फर्स्ट इवेंट जो आपने ऑर्गेनाइज किया हो, कुछ ऐसी नर्वसनेस? आई वाज नॉट नर्वस। बेसिकली व्हेन आई टेक इवेंट, आई हैव मोर ऑफ कॉन्फिडेंस। आई डिड अ वेरी गुड रोड शो फॉर वुमेन रिपेटे, एंड माय बेसिक कंसेप्ट वाज ट्रैफिक जाम। आई वांटेड टू स्टॉप द ट्रैफिक, सो इट बिकम्स अ टॉक ऑफ डिस्कशन व्हाट वाज द इवेंट फॉर। दैट गेव मी अ लॉट ऑफ माइलेज फॉर इट। सबसे पहले मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगी। मुझे कंफर्म नहीं था कि मैं विनर बनूँगी, बट मुझे ये था कि जैसा भी है, कोई भी है, सभी विनर्स हैं, और ऑल द गर्ल्स और लेडी ब्यूटीफुल, ऑल विनर। तो जो भी होगा, जैसा भी होगा, तो आई एम एक्सेप्टेड, और बाकी मुझे बहुत खुशी हुई सेकेंड रनर अप बन के, और ख़ुद से बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। और लोगों को, अब मैं जहाँ जाने वाली हूँ तो लोग देखेंगे और बताऊँगी सभी को कि मैंने यहाँ से ये कॉन्टेस्ट जीता है, तो मुझे बहुत खुशी। थैंक यू सो मच मैम। फीलिंग्स कुछ बयान नहीं कर पाऊँगी, बिल्कुल एक सपना था, बहुत सच हो गया। एंड आई एम रियली रियली हैप्पी, एंड जितना बड़ा ये ताज है, उससे बड़ी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आज से मेरे कंधों पे आ गई है। जिस तरीके से हमको मेंटोर्स ने यहाँ पे ट्रेनिंग दी है, वो सारी चीज़ों को ध्यान में रख के मैं इस पेजेंट को आगे और बढ़ाऊंगी। जबकि मैं नागपुर की हूँ, नागपुरियंस विल बी वेरी प्राउड फॉर मी, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी। बहुत खुशी है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये एक तरह से बहुत पुराना ड्रीम था मेरा, बहुत बचपन का, जो आज, क्योंकि हम लोग मिसेज में आते हैं, मैरिड है, तो इस प्रोफेशन में आके एकदम से ऐसा लगा कि नहीं, बस ये तो बचपन का सपना पूरा जैसा होना हुआ है। सो आई एम वेरी हैप्पी। पहले तो मैं बताना चाहूँगी, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत, मतलब बहुत, ये सोचा भी नहीं था कि ये पेजेंट इतना बड़ा होगा और यहाँ पे मैं फर्स्ट रनर अप पाऊँगी। और ये खुशी मैं बयान करने पहले मैं सबसे पहले अपने घर जाऊँगी, और ऑफकोर्स परमार डिस्ट्रीब्यूट को आगे जाके ज़रूर ज़रूर मेरा सहकार रहेगा। थैंक यू सो मच। बहुत ज़्यादा खुशी है, क्योंकि जैसा मैंने आपको उस दिन कहा था, आई नेवर कीप माई फिंगर्स क्रॉस्ड, आई जस्ट बिलीव इन द प्रेजेंट, जो होता है होने को। बट मेरी खुशी जो आज है ये मैं बयान नहीं कर पाऊँगी। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी और मैं ज़रूर चाहूँगी एंड ऐसा अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है और इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए मैं अपना सोशल वर्क को भी आगे बढ़ाना चाहती हूँ, गेटिंग अलॉन्ग विद परमार डिस्क्यूट फाउंडेशन ऑल्सो। और मेरे जैसे लाइक यंगस्टर्स को भी ये मौका देना चाहूँगी, उनको भी ये बताऊँगी कि ये कितना ब्यूटीफुल पेजेंट है करिश्मा का। इट्स ब्यूटी with brains, with compassion, with humanity. So that's the concept which I love about it, and I'm very happy. I just can't say how I am happy. Thank you. मेरे लिए तो आज सभी विनर्स हैं। बहुत डिफिकल्ट था जज करना। सारी मॉडल्स मिस एंड मिसेस कैटेगरी में आई, ऑल ओवर इंडिया से आई। बहुत टैलेंटेड थी, बहुत इंस्पिरेशन था उसमें, बहुत हार्ड वर्क किया उन्होंने। हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट था इतने टैलेंटेड मॉडल्स में से एक विनर चूज़ करना, बट विनर तो एक ही होगी। सो इट वाज वेरी टफ जॉब, बट आई हैव डन माय लेवल बेस्ट। सीरियसली उन्होंने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है और मैं इनको ग्रूमिंग सेशन से जान रही हूँ। दे आर डिजर्विंग कंटेस्टेंट एक्चुअली, और बस इसी तरह से जिन्होंने इन्होंने जितना डिजर्विंग जो भी है उसमें क्वालिटीज़, बस वो क्वालिटीज़ दुनिया को, देश को, सबको दिखाए। और थैंक यू कि हमारे पेजेंट में पार्टिसिपेट किया और इतना अच्छा हमें टैलेंट दिखाया और दिया भी। आगे के लिए क्या कुछ आप टिप्स देना चाहेंगे? बिल्कुल, जो विनर है वो हमारे तरफ से इंटरनेशनल जर्नी के लिए जा रहे हैं। जर्नी इन द सेंस इंटरनेशनल जो भी कॉन्टेस्ट अभी हम लोग लॉन्च करने वाले, तो उसमें वो लोग पार्टिसिपेट करेंगे और भारत देश को रिप्रेजेंट करेंगे दूसरी दुनिया में या धरती में। बोली विनर बने हैं तो उनके लिए खुशी तो बहुत है, लेकिन साथ में एक दुख भी है कि हमारी फ्रेंडशिप जो हम दोनों तीनों दिन इतने साथ में, इतने यानी ऐसा मतलब कि 24 आवर में हम लोग 18 आवर साथ में थे। कल 4 घंटे हम सोए हैं, हमने कम से कम 13 से 14 घंटे ग्रूमिंग किया है, तो कितना बॉन्डिंग है हम लोगों में तो आप देख सकते हो। मैम एक नई शुरुआत है हमारे, एक न्यू रिलेशनशिप की। बहुत ये पेजेंट की तैयारी हम कम से कम 1 साल से कर रहे हैं और आज जाके हमें हमारे विनर्स मिले हैं तो डेफिनेटली इतनी खुशी मिल रही है। और ये लोग ऐसे नहीं है कि खाली ब्यूटी विद ब्रेन से आए, ये ब्यूटी विद ब्रेन विद ह्यूमैनिटी का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है जो लोगों ने लेना चाहिए। तो थैंक यू सो मच कि आप हमारे पेजेंट में आए, दुनिया को अपना टैलेंट दिखाया और इतना डेयरिंग किया कम्पीट करने का। सब यानी नेशन वाइड जो भी लड़की आई है उनके साथ में। आज जो भी आज के हमारे जो विनर्स हैं उनको मैं सबसे पहले बधाइयाँ देना चाहूँगा और जो भी डिसीजन हुआ है वो बहुत ही अच्छा हुआ है। जो सचमुच टैलेंटेड है और बहुत ही यानी परमार्थ के लिए और मिसेज इंडिया करिश्मा के लिए ये आगे चल के काम करेंगे, यही मैं शुभकामनाएं देता हूँ उनको। और हमेशा इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे, इंटरनेशनल भी जाएंगे, इसके लिए ये खुद भी तैयारी करेंगे और हम इनको सपोर्ट भी करेंगे। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।